पहले लगा चुका टिश्यू, अभी करते समय वही वाला साउंड प्ले करूंगा और देखेंगे टिश्यू की क्या चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे यार। क्या सेट, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, कईयों के साइड पर वॉल्यूम होती है, जो हीरा फोर प्रो के तो उसके बैक पर वॉल्यूम थे और इसके वॉल्यूम, और एक और खास बात है इसके अंदर मॉस्फेट सर्किट लगा हुआ है चार मॉस्फेट। तो गाइस, अमन चिबा ब्लॉग चैनल पे आ गए, एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली बार मैंने हीरा फोर प्रो की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करी थी, तो आपने बहुत ज़्यादा प्यार दी था उस वीडियो के अंदर। वो वीडियो 8 दिन के अंदर 10,000 व्यूज पार कर चुकी थी। तो मैंने जिस दिन वो शाम को वीडियो अपलोड करी थी, वोटिंग का ऑप्शन दिया था आपको मैंने, आपने वोट करके उसी तरीके को मैंने वीडियो अपलोड करी थी शाम को। जैसे मैंने वीडियो अपलोड करी, आधे घंटे बाद वीडियो को रैंकिंग में जाऊँ आपकी डिमांड के ऊपर। आपने बोला था यार हीरा फोर प्रो की तो आपने बना दी, लेकिन अब उसके छोटे भाई की भी बारी आ गई, हीरा फोर मिनी की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आया, फाइनली मेरे पास कल डिलीवरी हो चुका है हीरा फोर मिनी, और आज मैं उसकी वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। एंड वो मेरे पीछे पड़ा है सड़क में, सेट भी दिखाऊंगा थोड़े देर में। और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप मेरे को कह रहे थे आप इतने सारे स्पीकर की वीडियो डालते हो, आपने हीरा की कभी वीडियो नहीं डालते हो। मैंने पिछली बार हीरा फोर प्रो की वीडियो डाल दी, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके वो वीडियो को चेकआउट कर लेना। मैं दिखाता हूँ आपको जो मेरे पीछे पड़े सेट, वो तो ये है वो सेट हीरा फोर मिनी यार, कितनी अच्छी लुक के साथ आया है ये दोनों सेट। फ्लोबिट की ब्रांडिंग दी गई है एंड 1, 2, 3, 4 रिंग लाइट का ऑप्शन मिलता है उसके अंदर हमें, 2 रिंग लाइट का ऑप्शन मिलता है फोर प्रो के अंदर, इसके अंदर हमें 4 का ऑप्शन मिलता है। और अपनी कितनी अच्छी लुक दी गई है सेट की यार, देखने में कितना अच्छा लग रहा है सेट यार, वो भी सेट बढ़िया है, लेकिन ये मेरे को तो ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा है बहुत ज़्यादा सेट। और यार एयर पाइप की देखो अपनी यार फिनिशिंग देखो, लुक भी यार क्या फिनिशिंग दी गई है एयर पाइप की, एकदम देखने में लग रहा है यार कोई हैवी सेट है, बिल्कुल हाई हैवी। रोलिंग बेस के ऊपर डिपेंड होता है हमेशा, जो फ्लोबिट का जो दावा रहता है लार्ज डेस्टिनेशन ऑफ बेस, वही देता है, फ्लोबिट प्रोवाइड करवाता है, घर तक पहुँचाता है, गाड़ियों वाली बेस, शीशे लाने वाली बेस, वही बेस है। तो आपको मैं सेट को दिखा दिया, सब उसके स्पेसिफिकेशन बताऊँगा आपको बार बार ही, तो बने रहना वीडियो के अंदर। हाँ, और वीडियो को पहली बार देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी आने वाली और वीडियो के लिए मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। हाँ, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भूलना, शेयर करना मत भूलना यार, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत लगती है बनाने में। पिछली वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इस वीडियो का मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, पहले कह दिया मैंने इस वीडियो में मेरे को प्यार चाहिए, आपको मैं पूरी पूरी डिटेल बताऊँगा। चलो मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमें इसके अंदर मिलता है 4 इंच 2 मीटर और हमें साइड में 8 इंच का 4 सबवूफर मिलते हैं 100 मैग्नेट के अंदर। हीरा फोर प्रो के अंदर 135 की मैग्नेट, इसके अंदर 100 मैग्नेट है, क्योंकि बुफर का साइड डिपेंड करता है, वो 10 इंची बुफर था या 8 इंची बुफर है। डबल कोयल के अंदर बुफर बना हुआ है, प्योर कॉपर का बुफर है, ठीक है। और ये डिस्प्ले दी गई है जहाँ पे ऑक्स वॉल्यूम स्कैन वॉल्यूम प्लस मोड का बटन मिलता है, और USB भी मिलती है, आप पेन ड्राइव USB लगा सकते हो, ऑक्स लगा सकते हो, वॉल्यूम लगा सकते हो, स्कैन कर सकते हो, मतलब कुछ चैनल को स्कैन करना होता है, गाने को स्कैन करता है, उस चीज़ में काम आता है। वॉल्यूम प्लस का ऑप्शन मिलता है एंड मोड का ऑप्शन मिलता है, और हमें इसके अंदर रिंग लाइट का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ये RGB रिंग लाइट है, जिसको हम RGB रिंग लाइट कहते हैं, 8 मोड के अंदर चलती है रिंग लाइट। तो ये RGB रिंग लाइट है, ये चलता है ना सेट तो यार एकदम अट्रैक्टिव सा लगता है सेट, ये नहीं कुछ चीप माल लगा रखा है यार, काम बहुत अच्छा करा फ्लोबिट वालों ने यार, हीरा फोर प्रो के अंदर भी इतना काम अच्छा करा था। हाँ, जब हीरा 3 प्रो लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने पाजी को भी कहा था, पाजी अब कोई ऐसा सेट निकालो जिसके अंदर हमें लाइट का ऑप्शन मिल गया, लाइट के साथ ना अट्रैक्ट लगता है पार्टी करने के लिए। तो पाजी ने सेट निकाल ही दिया, तो आप देख ही रहे हो, उसको मैं ऑन करके भी आपको दिखाऊंगा। एंड मैं बुफर के बारे में बता रहा था आपको, इसके अंदर 8 इंच के 4 सबवूफर मिलते हैं 100 मैग्नेट के अंदर, डबल कॉइल बुफर है वो प्योर कॉपर के, ठीक है। और ये 4 इंच 2 मीटर इंच 4 इंच 2 ट्विटर मिलती है इसके अंदर। और मैं इसकी हाइट भी आपको बता रहा था एक परी, तो उसकी मैं हाइट आपको बता रहा था, उसकी हाइट है अपनी 34 इंच की हाइट है और 12 mm की वुडन थिकनेस है इसकी। वुडन भी देख लो, मैं आपको वुडन थोड़ा कैमरा पास करके आपको दिखा रहा था, उसकी वुडन देख लो, वुडन की थिकनेस बहुत ज़्यादा इसकी है, देखो वुडन की थिकनेस बहुत ज़्यादा, जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी उतना सेट के अंदर पावर होगी, उतनी चीज़ें सेट के अंदर ज़्यादा दार पावर होगी, उतना बुफर सही काम करेगा, जितनी मोटी वुडन होगी उतना ज़्यादा काम करेगा। हीरा फोर प्रो के अंदर वुडन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो उसके अंदर 10-10 इंच के बुफर थे 135 मैग्नेट के अंदर, और थोड़ा फर्क पड़ता है जब बुफर छोटा आया तो वुडन उस साइज़ की देनी पड़ती, ये नहीं बुफर छोटा दे दिया वुडन ज़्यादा दे दी तो फिर वो वोकल्स बेस ट्रबल सब कुछ कट जाता है, वहाँ पर काम खराब हो जाता है। और
ये रिंग लाइट है, मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा आपको, सारा ऑन करके दिखाऊंगा कैसे साउंड टेस्ट प्ले करूंगा। हाँ, मेरे को बहुत सारे बंदे पिछली बार कह रहे थे भैया आपने नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करा, तो भाइयों मैं इसलिए नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करता, मेरे चैनल पर स्ट्राइक करने की डर रहती है, तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल देता हूँ पंजाबी गाने के ऊपर, तो वैसे इसके लिए मैं डाली हुई है, इसकी मैं एक दो तीन चार शॉर्ट और भी अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। तो हाँ, वो बात बाद में, अभी बात करते हैं हम सेट की। तो आपको मैंने आगे का सेट दिखा दी, एंड इसके अंदर डिस्प्ले ऑप्शन में बहुत बढ़िया मिलता है, इसके अंदर जो रेड डिस्प्ले नहीं मिलती, रेड डिस्प्ले ना थोड़ी अट्रैक्टिव लगती, जो वाइट डिस्प्ले होती है ना थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, इसके अंदर वाइट डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। अब मैं आपको मोड सारा ऑन करके दिखाता हूँ, सब फटाफट इसको सेटअप करके सब मैं ऑन करके दिखाता हूँ उसको। मैंने जैसे ही ऑन कर लिया आपके सामने सेट है, देखो यार कितनी प्यारी रिंग लाइट जल रही है, अलग अलग कलर में चलती है, आठ मोड है इसके अंदर, ठीक है। वो तो आप मोड अपने रिमोट से चेंज कर सकते हो, तो इसके अंदर आपको मोड मिलते हैं। और इसमें से एक खास बात जैसे इसमें वाइट डिस्प्लेशन की बात करता है, ये मेन यूनिट का पीछे का ये हीटसिंग देख सकते हो, हीटसिंग यार कितनी बढ़िया हीटसिंग दी गई है इस बार, क्योंकि हीटसिंग बढ़िया देने का ये होता है, आप लॉन्ग टर्म में कोई सेट चलाते हो तो आपको कोई डिस्टोर्शन ना हो, सेट बंद ना हो गर्म होकर, तो हीटसिंग उस हिसाब से देनी पड़ती है, क्योंकि रोलिंग बेस है और चार मॉस्फेट सर्किट लगे 5200 के, तो उस हिसाब से हीटसिंग भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। हीरा फ्रोट प्रो के अंदर इतनी बड़ी हीटसिंग थी, क्योंकि उसके अंदर 10-10 इंच के चार सबवूफर है 135 के, इसके अंदर 100 मैग्नेट के 8 इंच चार सबवूफर है। तो मैं बात करता हूँ, और यहाँ पे आप जैसे ये वायरिंग है, ये दूसरे यूनिट को चलाने के लिए वायरिंग है, और ये वायरिंग देख सकते हो, जैसे रेड के अंदर रेड लगेगी, ब्लैक के अंदर ब्लैक लगेगी, तो ये ब्लैक है, रेड के अंदर रेड लगेगी, ब्लैक के अंदर ब्लैक लगेगी, तो ये फर्क होता है। उल्टी सीधी तार लगाओगे ना तो आपका सेट जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जैसे तार बनाई उतने उस हिसाब से तार लगाया करो, कहीं ना बंदे को कमेंट करते भैया ऐसे हो गया मेरे से, ऐसे हो गया भाई, उल्टी सीधी तार लगाओगे ना तो सेट जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, पावर उतनी ज़्यादा लोड पड़ता है। जैसे जैसे तार दी गई है ना, जैसे रेड के अंदर रेड दी गई है, ब्लैक के अंदर ब्लैक दी गई है, तो वैसे तार को लगाना। अब मैं फटाफट इसको कहता हूँ, और ये हमें स्विच मिलता है, एक हमें इसका ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, एक हमें इसका वो रिंग लाइट का ऑप्शन का मिलता है। आप नहीं चलाना चाहते लाइट, आप मॉर्निंग में चला रहे हो, मॉर्निंग पार्टी कर रहे हो या किटी पार्टी कर रहे हो, नहीं चलाना चाहते तो बंद कर दो। आप या नाइट में पार्टी कर रहे हो, बर्थडे पार्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आप उसको चला सकते हो, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव लगता है बहुत ज़्यादा सेट। जैसे रिंग लाइट घूमती ना आठ मोड के अंदर, अलग अलग RGB लाइट, बहुत अच्छा लगता है। ये चुप चीप लाइट नहीं दी सर, यार लोग कहते ना जब बल्ब लगा दिया लाइट लगा दी हो या काम, ये चीप लाइट नहीं दी, बहुत अच्छी लाइट दी गई है इस बार, जो आठ मोड के अंदर घूमती रहती है लाइट, जैसे ही साउंड चलेगा वैसे घूमेगी, जैसे साउंड बंद देगा लाइट वहीं पे रुक जाएगी, जैसे मैं साउंड खोलूंगा ना इसका धीरे धीरे देखना, वैसे इसकी लाइट साफ साफ लगी जाएगी। फटाफट करते हैं इसको सेटअप, जैसे ये रेड वायर एंड ब्लैक वायर है, सबसे पहले मैं लगाता हूँ रेड वायर, लगाता हूँ रेड के अंदर, ये देखिए लगी, अब मैं ब्लैक लगा रहा हूँ ब्लैक के अंदर। चलो ये सेटअप तो हो गया, और ये दोनों ऑप्शन किस लिए है, लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन किस लिए है, ये अपने TV के साथ आपको कनेक्ट करना हो तो आपको ऑक्स आती है, ऑक्स केबल आती है, और लाल पीली नीली दो कलर में आती है, जो मेरे पास थी वो थी लाल एंड रेड एंड येलो थी, ये कलर में, क्या एक और कलर में भी आती है, रेड के अंदर रेड, वाइट के अंदर वाइट, जो अपन TV LED है, LED के साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब सराउंडिंग साउंड के लिए, LED की साउंड और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए काम आती है। और ये जो अपना आप देख रहे हो नोब देख रहे हो जैक्सा देख रहे हो, ये है अपना माइक अटैच करने के लिए, वायर माइक होता है ना उसको अटैच करने के लिए दिया गया, वायर माइक से भी अटैच कर सकते हो, कैरियो की सिंगिंग करो, पार्टी करो, कोई सॉन्ग जैसे आपने गाना साथ म्यूजिक चालू करना वो भी इसके अंदर हो सकता है, वो भी ऑप्शन दिया गया है। और ये अपना जैसे लाइट चलाने के लिए दूसरे यूनिट के साथ ही आता है, जैसे USB का देखिए इसमें पोर्ट लगा हुआ है, जैसे USB का निशान है, तो कईयों में ना सीधा ऐसे बना होता है लकड़ के अंदर घुसाया होता है पोर्ट लगने का, इधर उसमें ना खराब होने का बहुत जल्दी खतरा रहता है यार, क्योंकि जोर के लगाते हैं तो यही चीज़ दब जाएगी अंदर, तो इन्होंने अलग ही हमें सिस्टम दे दिया गया। जैसे इसके अंदर मैं अटैच करूँगा, देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम दे दिया, कंप्यूटर का सिस्टम दिया गया, जो कि AI टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ सेट है ये, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया, अभी मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा आपको, लाइट आती है, और पीछे से इसकी वुडन देखो यार, वुडन कितनी मोटी है इसकी, यार देखो यार वुडन मोटी है यार, वुडन मोटी देने का कारण ये है, यार बेस अच्छा निकलेगा, ट्रबल अच्छे निकलेंगे, वोकल्स अच्छे निकलेंगे, क्योंकि रोलिंग बेस है तो वुडन उस हिसाब से वुडन भी चाहिए। देखिए तो फटाफट इसको मैं आगे से करता हूँ सेटअप, चालू करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे एक साउंड प्ले, वो भी नॉन कॉपीराइट। यार प्लीज़ मेरे को ये मत बोला करो कमेंट के अंदर आप, भैया नॉन कॉपीराइट
प्ले कर देते हो पंजाबी करो तो पंजाबी के मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिए इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एंड मैंने यूट्यूब पे भी इसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर पंजाबी सॉन्ग का दे। फटाफट करते इसको मैं अब ऑन करता हूँ, देखो मैंने तार लगा ली हुई है, तार पहले लगी है, अब मैं फटाफट इसको ऑन करता हूँ। हाँ, और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, ये है अपनी रेडियो की बात, जैसे आप रेडियो के शौकीन जो पुराने गाने सुनते हैं 90 के, ठीक है, वो गाने भी जा सकते हैं आप ऐसे भी घर के अंदर, थोड़ा सा बाहर को ना तार को थोड़ा, जैसे तार ने कहीं थोड़ा छीन लिया था लेकिन तार छीनने की जरूरत ही नहीं थी, तब भी सिग्नल कैच हो जाते हैं। तो फटाफट करता हूँ उसको मैं सेटअप, फिर एक साउंड प्ले करूँगा। तो मैंने जैसे ही ऑन कर लिया आपके सामने सेट है, देखो यार कितनी प्यारी रिंग लाइट चल रही है, अलग अलग कलर में चलती है, 8 मोड है इसके अंदर, ठीक है, वो तो आप मोड अपने रिमोट से चेंज कर सकते हो, तो इसके अंदर आपको मोड मिलते हैं। और इसमें से एक खास बात जैसे इसमें वाइड डिस्प्ले दी गई है, BT लिखा हुआ है, एंड ये मोड का ऑप्शन है, जैसे मैं मोड चेंज करूँगा एंड ये FM पे आ गया, और ये ऑक्स पे आ गया, और ये BT पे आ गया। और आपको पेंड्राइव चलानी है, USB चलाना, सीधा लगाओ वो मोड लिखा रहेगा, आपका पेंड्राइव ओपन हो जाएगी। और एक और बात ही, जैसे लिंगड़ा अभी घूम रही है ना, सर्कल सर्कल में घूम रही है, और ये जॉयस्टिक को जैसे मैंने 0 पे हो गया, रुक गई वहीं पे लाइट, जैसे मैं उसको रोक लूँगा वैसे हाथ से रोकी है वहीं से रुक जाएगी। देखिए थोड़ा थोड़ा खोल रहा तो लिंगड़ा चेंज होती जा रही है अपने आप, कोई और कलर आते जा रहे हैं, और तेज होती जाएगी जैसे मैं खोल दूंगा। 50 तक मैक्सिमम इसका वॉल्यूम जाता है, पहले मैंने आपको कह दिया 50 तक इसका मैक्सिमम वॉल्यूम जाता है, बाकी आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड चला रहे हो, तो उस हिसाब से आवाज़ होती है। जैसे मैं अभी 0 कर देता हूँ वॉल्यूम, मैं प्ले करूँगा एक साउंड आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ अभी मैं, तो यार कितनी अच्छी लुक के अंदर दिया गया सेट यार, रिंग लाइट्स देखो यार क्या रिंग लाइट्स दी, जैसे आप कोई टिकटॉक वीडियो बनाते हो दूसरी रिंग लाइट होती है वैसे इसके अंदर रिंग लाइट दे दी, वो RGB रिंग लाइट दी है, कुछ चीप नहीं दी गई है रिंग लाइट के, बल्ब लगा दिया काम कर दिया तो हो गया काम खत्म, वैसे काम भी दिया गया यार रिंग लाइट दिया। फिनिशिंग देखो यार कितनी बढ़िया सेट की फिनिशिंग इतनी बढ़िया दी गई है इस बार यार, मैं तो देख के खुश हो गया सेट यार, मैं इतना बेसब्री से इंतजार था हीरा 4 मिनी का, तो हीरा 4 प्रो भी आपकी पिछली वीडियो मैंने दिखा दिया, मिनी की बात कर रहा हूँ। फटाफट करते इसका साउंड टेस्ट, एक मैं साउंड ट्रैक प्ले करूँगा फिर आपको मिलता हूँ। देखिए BT पे सेट है अपना सेट, और ये वो MI का फ़ोन है जिसमें सेट कर रहा हूँ, ये नाम आता है इसका, ध्यान रखिए BT। अब मैं पेयरिंग करने वाला, देखिए आ गया, पेयर कर देता हूँ, देखिए पेयर हो गया, टोन की आवाज़ आ गई। अभी मैं फटाफट इसके अंदर मैं करता हूँ साउंड टेस्ट प्ले करता हूँ फटाफट, और एक मैं नॉन कॉम्पिटर बेस वाला म्यूजिक बेस वाला करूँगा, जो आपको बेस भी दिखाऊंगा इसकी बेस कैसे प्रोड्यूस होती है, बाहर एयर पाइप से बेस आती जो कितनी प्रेशर से निकलती बेस। फटाफट करते इसमें एक साउंड प्ले, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यदि BT में इसका बेस बंद करके दिखाता हूँ, उसके बाद एक ट्रैक प्ले करता हूँ। देखिए मैं इधर BT लिखा रहा है, मैं कैमरा थोड़ा आगे करके दिखा रहा था आपको, यहाँ पे अभी BT लिखा रहा है, इसका बेस बंद कर देता हूँ मैं, देखिए मैंने अभी पूरा 0 कर दिया बेस। अभी मैं आपको इसके अंदर एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, एंड मैं इसकी आवाज़ भी बंद है, आवाज़ खोलता हूँ। अभी वो दिखाता हूँ। हाँ, एक और बात, मेरा माइक बोयागा ये हो चुका है ओल्ड माइक,
तो अभी आवाज आपका फिर डिस्टोर्शन नॉइज आ रही होगी, तो प्लीज मैं हमेशा कहता हूँ अपना हेडफोन्स का इस्तेमाल करें जब भी इसका साउंड टेस्ट सुन रहे हो, हेडफोन्स अपने पहले लगा रहे क्योंकि माइक मेरा दूसरा है, तो इसलिए माइक आप अपना हेडफोन्स लगा जब थोड़ा क्लियर हो जाएगा आवाज कैसी है। तो अभी मैंने क्योंकि इस माइक से रिकॉर्ड हो रही आवाज, ये माइक मेरा बोया गया पुराना हो चुका है माइक, तो अभी मैं इसका प्रेशर दिखाता हूँ, उसके एयर पाइप को कितना ज्यादा प्रेशर है यही सॉन्ग के ऊपर। मैं आपको इसका ट्रैक्टिंग चिप दिखाने जा रहा हूँ, लोगों ने यहाँ से तो खींच के दिखा दी टिश्यू, मैं आपको फाड़ के दिखाऊंगा इसके एयर पाइप के अंदर से, क्योंकि हीरा फोर के अंदर अभी किसी ने नहीं दिखाया, हीरा फोर मिनी के अंदर देखते कितनी पावर इसको फाड़ गया टिश्यू को। ये टिश्यू है बिल्कुल न्यू टिश्यू है, बिल्कुल भी फटा भी नहीं हुआ टिश्यू, तो फटाफट मैं करता हूँ वही वाला सॉन्ग प्ले करूंगा, आपको दिखाऊंगा टिश्यू की कैसी हवा निकल जाती है। लगा चुका है टिश्यू, अभी करते समय वही वाला साउंड प्ले करूंगा और देखेंगे टिश्यू की क्या चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। यार क्या सैड टाइम, मेरे को लग रहा है फाड़ देगा यार टिश्यू यार, क्योंकि 8 इंच के 100 मैगनीटूड बूफर मिलते हैं यार, बहुत ज्यादा दमदार सेट होता है फ्लोबिट के। फटाफट करते हैं वही वाला साउंड प्ले, चिथरे उड़ गए टिश्यू यार, फाड़ दिया अपने टिश्यू ने, मान गए यार फ्लोविड को यार, क्या सेट बनाया यार, एक नंबर सेट बनाया। डी प्लस रोलिंग बेस का ऑप्शन मिलता था यार, तो वो भी बढ़िया बनाया गया सेट, एंड कितना बढ़िया सेट बनाया यार, पूरा टिश्यू फाड़ के रख दिया पूरा, इतनी हवा एयर पाइप से, इतनी ज्यादा एयर पाइप इतनी हवा डिग्नोज करता है। एंड इसके अंदर शायद अगली बार हमें और अपग्रेड मिलने को मिले, इसके अंदर हमें एग्जॉस्ट का ऑप्शन मिलेगा, एग्जॉस्ट तो दूर से खींच लेता है बड़ी जोर की, एग्जॉस्ट छोटा होता है लेकिन प्रेशर बहुत है। सेट की पावर देखिए यार, एक नंबर सेट की पावर। हाँ एक और बात, इसके साथ ये कॉर्डलेस माइक आता है, वायरलेस माइक आता है, सर एक और माइक कनेक्ट कर सकते हैं वो भी वाइट वाला, एंड ये माइक आता है, एक रिमोट आता है, ठीक है, वहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, सकते हो इक्वलाइजर सेट कर सकते हो, वैसे इक्वलाइजर से यहाँ मोड से भी, वॉल्यूम से भी, एंड जॉयस्टिक से आप इक्वलाइजर सेट हो ही जाते हैं आपके, देखिए यहाँ से सेट होते जाएंगे आपके इक्वलाइजर, बाकी आप उससे भी कर सकते हो, बीटी पे वापस आ जाइए। हाँ और एक और बात, कैसी लगी आपकी वीडियो, एंड देखा मैं टिश्यू की कितनी पावर है यार, फाड़ डाला पर टिश्यू का यार, अभी स्मॉल है ये सेट, अभी तो 4 प्रो भी है, प्रो के अंदर आवाज आपने सुनी थी यार, वो भी दमदार है, लेकिन यार ये भी अपने आप 4 इसमें मॉस्फेट लगे 5200 जो तोशिबा जापान की है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा इसके साथ में दमदार भी सेट बहुत ज़्यादा है, वुडन भी बहुत अच्छी है सेट की। तो आपने वीडियो देखी आज की, एंड एक और बात, आपको आज की ब्रेक सबसे अट्रैक्टिव लगा वीडियो का, एंड मैंने थोड़ी आज अलग करने की कोशिश की है वीडियो, या आपने बहुत वीडियो के अंदर देखा होगा जो एयर पाइप के अंदर आपको लगा के दिखाते हैं, हीरा 3 प्रो के अंदर भी लगा के दिखाया था, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर लगा के दिखा दिया है वो सेट के अंदर, हीरा 4 प्रो मिनी के अंदर लगा के दिखा दिया, आपके घर पे भी सेट पहुंचेगा, आप ये करके देखना, मेरे को भी वीडियो जरा शेयर कर देना आपके साथ भी क्या क्या मसले होते हैं, आपके शीशे या खिड़की हिलते हैं तो आप वो मेरे को दिखा देना। हीरा 4 प्रो की तो बात ही छोड़ यार, वो तो नेक्स्ट लेवल इससे ऊपर आता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ये सेट बहुत बढ़िया। हाँ और एक और बात, अब आते हैं इसके फाइनली प्राइस के ऊपर, जो इसका प्राइस है इस लुक के अंदर, इसका जो प्राइस है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ यार, एक नंबर सेट है, फ्लो बीट की यार ब्रांडिंग आ रही है यार, एक नंबर सेट बनाया है, शायद अगली बार हमें ऊपर एग्जॉस्ट का ऑप्शन भी मिल जाए, एग्जॉस्ट होता है छोटा, एयर पाइप होता है बड़ा, एग्जॉस्ट होता है छोटा, एयर पाइप के अंदर ही होता है, अब यहाँ पे चीज डालोगे वो अंदर खींचा, एग्जॉस्ट से होता है इतनी दूर से गिरोगे एग्जॉस्ट दूर से खींच लेता है, शायद अगली बार ये आपको अपग्रेड मिले, लेकिन मेरे को ये वाला भी बहुत अच्छा लगा यार, इसका आगे की लुक बहुत अच्छी लगी, शायद अपग्रेड मिले आगे जाकर फ्यूचर में, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, जैसे लोगों को पता लगेगा शायद अपग्रेड होगा ये आगे जाके, लेकिन ये अभी इसके लुक पे एक नंबर है। जैसे हीरा 3 प्रो भी आपने वीडियो देखी होगी, बाजी की शॉर्ट वीडियो, उसमें कहते हैं बाजी हीरा 3 प्रो जो प्रो था उसको मैक्स कर दिया गया है, अब वो अपग्रेड हो चुका है, वो 10 सितंबर को वो भी आएगा शायद, वो भी मेरे पास आ जाए, उसकी भी वीडियो आपके आप तक पहुँचा दूंगा। आपने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना, एंड फाइनली और अब आते हैं फाइनल इसके रेट के ऊपर, इतना हैवी सेट
आठ आठ इंची चार सब बुफर 100 मैगनेट के अंदर। अब इसका रेट बताता हूँ मैं, इसका रेट है 9500 रुपये इसका रेट है, ओनली 9500 रुपये। आप इसको फ्लोबिट की वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता, फ्लोबिट की वेबसाइट अभी अपडेट हो रही है, तो मैंने भी स्टोर पे जाकर इसको 2000 रुपये देखे अलग से बुक किया, आप भी वहाँ पे जाकर बुक कर सकते हो, आपके पास भी डिलीवरी पहुँच जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हाँ वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड अपनी बेल आइकन को ओपन जरूर कर देना, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। चलो मिलते हैं ऐसी कोई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।